प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत महंत नरेंद्र गिरी जी की जर जमीन धन संपदा को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अरबों की संपत्ति थी उनके पास, प्रयागराज से लेकर नोएडा तक बहुत जमीन थी। उसी की बेचाबाची को लेकर अपने ही शिष्यों से तनातनी और टेंशनबाजी चल रही थी, मतलब मोह माया का चक्कर था, आत्मिक शांति यहाँ भी नहीं थी। उनकी मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उनके पास से एक सुइसाइड लेटर मिला है जिसमें उनके शिष्यों पर आरोप है उनके अपने कमरे में नायलॉन की रस्सी में उनका शव झूलता हुआ मिला। आचार्य नरेंद्र गिरी जी का रौला उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि वर्तमान से लेकर पूर्व तक सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनके आगे सर झुकाते थे, फिर भी फंदे पर लटकने की क्या जरूरत पड़ गई, हैरत की बात है। लेकिन कब, क्या, कैसे हुआ ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन लोग नरेंद्र गिरी के बारे में जानना चाहते हैं। अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा परिषद क्या होता है, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कैसे बन गए, बाघम्बरी मठ क्या है, ये सारी जानकारी लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको ये सारी जानकारी देंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपको ज्ञान और जानकारी दोनों मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नरेंद्र गिरी कौन थे और ये नरेंद्र गिरी बन कैसे गए। नरेंद्र गिरी तो बात का नाम है, दरअसल नरेंद्र गिरी को लोग पहले बुद्धू नाम से जानते थे। बुद्धू, प्रयागराज के फूलपुर के पास छतौना गांव में बुद्धू यानी नरेंद्र गिरी का जन्म हुआ था। पिता भानु प्रताप सिंह ज्यादातर घर पर रहते नहीं थे तो उनके पालन पोषण यानी उनको पाला पोसा उनके नाना नानी ने था। नाना नानी के गाँव का नाम था गिर्दकोट जो कि फूलपुर में आता है। बुद्धू को साधु महात्मा बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे तो जब जब गाँव में कभी साधु महात्मा आया करते थे तो वो उनके साथ भाग जाते थे। जैसे तैसे घर वालों ने उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई करवाई और उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में छोटी सी एक नौकरी दिला दी। लेकिन बैंक की नौकरी छोड़कर नरेंद्र सिंह यानी नरेंद्र गिरी भाग गए और फिर जब एक बार लौटे तो आचार्य नरेंद्र गिरी महाराज बनकर लौटे। कहते हैं कि योगी बनने के बाद अपना घर बार सब कुछ त्याग देना पड़ता है, इसीलिए फिर कभी नरेंद्र गिरी अपने घर लौट कर नहीं गए। 13 अखाड़ों की काउंसिल है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। तो यह अखाड़ा परिषद क्या है और अखाड़ा परिषद बनती कैसे है ये बताते हैं। दोस्तों हमारे देश के हिंदू समाज में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की थी, सभी जानते हैं। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका पीठ की भी स्थापना की गई और उसी काल में युवा साधुओं के लिए मठ और अखाड़ों की स्थापना हुई। अखाड़ा मतलब अलग अलग साधु संतों का दल, अलग अलग दलों के नाम अलग अलग अखाड़ों से है। देश में कुल 13 अखाड़े हैं, ये सभी 13 अखाड़े शैव, वैरागी और उदासीन तीन मतों में बटे हुए हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय यानी शिव को मानने वाले संप्रदायों के पास 7 अखाड़े हैं। पहला है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, इनके पास महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने की जिम्मेदारी है। दूसरा है श्री पंच अटल अखाड़ा, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दीक्षा दी जाती है। तीसरा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। चौथा है तपोनिधि आनंद अखाड़ा। पांचवा है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। छठा है श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। सातवां है श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा। दोस्तों वैरागी संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। ये लोग भगवान विष्णु को मानते हैं। श्री दिगंबरी अनि अखाड़ा पहला, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा दूसरा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा तीसरा है। यानी अब तक 7 अखाड़े आपको बताए शैव संप्रदाय के जो शिव को मानते हैं, 3 अखाड़े आपको बताए वैरागी संप्रदाय के जो विष्णु को मानते हैं, अब 3 अखाड़े और हैं उदासीन संप्रदाय के जो सिख साधुओं का संप्रदाय है और ये सनातन धर्म को मानते हैं। पहला श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, तीसरा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। तो ये तो हो गए 13 अखाड़े। अब इन अखाड़ों में किसी में बच्चों को दीक्षा दी जाती है, किसी में महिलाएं वर्जित है, किसी में महिला साध्वियों को दीक्षा दी जाती है, किसी में पहलवानी की दीक्षा भी दी जाती है। सबके अपने अपने अलग अलग नियम कानून हैं। महंत नरेंद्र गिरी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फांसी लगा ली, वो इन सब 13 अखाड़ों के मुखिया थे, अध्यक्ष थे, मतलब पूरे भारतवर्ष के साधु संतों के अध्यक्ष थे। भारत की सरकारों और यूपी की सरकारों में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। महंत नरेंद्र गिरी का फांसी लगाकर मरना ये बड़ा ही अटपटा लगता है। आपको क्या लगता है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही,
वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।